Hello, students. Welcome to VM Studies, done right here. गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है आईना। क्या आप जानते हैं कि एम्बुलेंस पर उल्टा नाम क्यों लिखा होता है? स्क्रीन पर दिखाई दिए गए वर्णमाला के चित्रों को देखकर शायद आप समझ जाएं कि एम्बुलेंस पर उल्टा नाम क्यों लिखा होता है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए वर्णमाला को आप आईने के सामने रखकर देखेंगे तो ये आपको सीधा दिखाई देगा। उसी तरह से एम्बुलेंस पर जो लिखा हुआ उल्टा नाम होता है वो आगे चल रहे वाहनों के शीशे में सीधा दिखाई देता है, जिसके कारण वो समझ जाते हैं कि हमारे पीछे एम्बुलेंस आ रही है और उन्हें जाने के लिए जगह आसानी से दे दी जाती है। इस पाठ में आपको वर्णमाला के स्वर और व्यंजन वर्णों से परिचित कराया गया है। वर्णमाला के ये अक्षर पाठ्य पुस्तक में उल्टे छापे गए हैं। जब आप इन्हें आईने में देखेंगे तो आप इन्हें क्रम से पढ़ सकेंगे। आइए हम समझते हैं, वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर कहते हैं, जैसे आ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ ओ अं अः आदि, ये स्वर हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन अक्षरों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, जैसे क ख ग। जब आप इसे बोलते हैं तो क में आता है अ, ख अ। उसी तरह से गा अगर आप बोलिए तो गा में आता है आ, अर्थात इन व्यंजन के उच्चारण में आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, तो हम इन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्णों के 8 वर्ग होते हैं, आइए इन्हें समझ लें। क से अंग, क ख ग घ अंग जो आप पहली लाइन कहते हैं इन्हें हम क वर्ग नाम देंगे। उसके बाद च से इय तक को च वर्ग, ट से ण ट वर्ग, त से न को त वर्ग देंगे और प से म को प वर्ग कहते हैं। य से व, ये जो व्यंजन हैं इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श से ह, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और क्ष से ज्ञ, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपको अभी सिर्फ नाम से परिचित होना है। ये इनके नाम इनके गुण पर आधारित है, अर्थात ये हमारे मुख से किस भाग से निकलते हैं। हर व्यंजन का अपना अपना स्थान है, तो हमारे मुख में ये अलग अलग पार्ट से निकलते हैं, अलग अलग भागों से निकलते हैं और उनके गुण के अनुसार इनका नाम रखा जाता है। उसका अध्ययन अभी आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको इनके नाम से परिचित होना है कि य से व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, श से ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं और क्ष से ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त अर्थात दो अक्षरों के योग से मिला हुआ व्यंजन। वर्णमाला के वर्णों को सही क्रम में जानना अति आवश्यक है, तो सबसे पहले हम स्वरों का सही क्रम जान लेते हैं। ऊपर दिए गए टेबल में आप देख रहे हैं कि स्वर जो है ये निश्चित क्रम में नहीं है। पहले छोटा ई, फिर बड़ा ई, अ आ री, इस प्रकार यह सही क्रम में नहीं दिए गए हैं। अब हम नीचे दिए गए टेबल को ध्यान से देखेंगे जिसमें ये स्वर उचित क्रम में लिखे गए हैं। जैसे पहली लाइन आप देखेंगे अ आ ई इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह, उसके बाद अ पर चंद्र बिंदी और उसके बाद अ, इसे हम पढ़ेंगे अ। तो इस तरह से जब आपको कई शब्द दिए गए हों
तो शुरुआत के स्वर को देखकर हम इस तरह से शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लगाते हैं। अब हम आइए इन स्वरों से कुछ सार्थक शब्द बनाते हैं, जैसे अ। अ से अचार, अनार, अरहर। आ से आम, आकाश, आसान। ई से इतवार, इमली, इलाका। बड़ी ई से ईमान, ईख, ईश्वर। उ से उजाला, उपवन, उदय। ऊ से ऊन, ऊपर, ऊसर। फिर री से है ऋषि, ऋतु, ऋषभ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ में ये फर्क है कि छोटे ऊ को आप थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे और बड़े ऊ को थोड़ा दीर्घ अर्थात थोड़ा लंबा बोला जाता है। आगे ए से एक, एकता, एड़ी। ऐसे ऐब, ऐनक, ऐरावत। तो दोनों में इस समय आपको फर्क पता चल रहा है। ए इसको हम कहेंगे एक, एकता, एड़ी, और ए पर एक मात्रा और लग गई तो वो हो जाएगा ऐ, ऐब, ऐनक, ऐरावत। अब आइए ओ और अ। ओ से ओढ़नी, ओखली, ओस। अ से औजार, औरत, औषधि। अब है अ पर बिंदी, अन, अंडा, अंगूर, अंक। उसी तरह से अह, अह ये दो बिंदी होती है अ के बगल में, तो ये कभी भी शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में इसका उपयोग नहीं होता, प्रायः ये अंत में या बीच में आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अतः, निह संकोच, नमः, प्रातः, इस प्रकार के कई शब्द आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में मिलेंगे। अब हम आते हैं अंगूठी, अंगोछा, अंगीठी। उसके बाद है आ, आ पर चंद्रबिंदी लगाएंगे, आंख, आंवला, चांद। अब आप बगल के दो कॉलम में देखिए, जिसमें कि ड और अड़। ड और ड के नीचे बिंदी लगा देंगे तो उसका उच्चारण अड़ जैसा है, जैसे कि डकैत, और बिंदी लगा के पढ़ने के बाद हो जाएगा सड़क। उसी तरह से डरावना, और ड के नीचे आप बिंदी लगा दीजिए तो वो हो जाएगा सड़ना। उसी तरह से डोली लिखी गई है, और बगल में ड के नीचे बिंदी लगा के हम पढ़ेंगे नया वर्ड अकड़। फिर डोसा, यहाँ पर है रोकड़ा, डमरू, पकड़ा। तो इस तरह से आपको ड और ड के नीचे बिंदी, इस तरह से इन वर्णों के उच्चारण का अंतर समझ में आ गया होगा। उसी तरह से दूसरा व्यंजन है ढ और अढ़। ढ और अढ़, जैसे ढक्कन, ओढ़नी, ढ के नीचे बिंदी लग गई तो ये हो गया अढ़। तो ढक्कन, ओढ़नी, ढोकला, सीढ़ियाँ। ढाका, चंडीगढ़। अभी तक हमने कुछ स्वरों को उचित क्रम में देखा और उनसे बनने वाले शब्दों को। अब आइए हम देख लेते हैं कुछ व्यंजन के वर्णों को उनके वर्ग के अनुसार रखना। जैसे पहले टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यंजन उचित क्रम में नहीं लिखे गए हैं। च, छ, ज, झ, ट, ढ, ड, ढ, ण, क, ख, ग, घ, ये इनका उचित क्रम नहीं है। दूसरे टेबल में हम देखेंगे इनके वर्ग के आधार पर उचित क्रम में रखना। तो सबसे पहले आता है क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, और ड और ढ, ठीक है। त वर्ग है त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह, और ये है मराठी का ळ। उसके बाद है संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये वर्णों का सही क्रम है जिसे हमें किसी भी दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम से लिखना हो
तो इस क्रम को हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आज हमने स्वर और व्यंजन को उचित क्रम में लिखना और पढ़ना सीखा। अब है स्वाध्याय, तो आपके लिए दो प्रश्न हैं। पहला है, नीचे दिए गए अक्षरों से पांच पांच शब्द बनाइए, जैसे कि क छ च त ट थ श क्ष और अड और ढ अढ। अब इन अक्षरों से आपको पांच पांच शब्द बनाने हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो शब्द दिए गए अक्षरों से ही शुरू हो, वे अक्षर बीच में भी आ सकते हैं। अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो, जैसे कि कल, कल पाठशाला बंद रहेगी, कल बरसात होगी, हम कल घूमने जाएंगे। इस तरह के सरल वाक्य आप बना सकते हैं। दूसरा है सागर, सागर का पानी खारा होता है। तीसरा है तरल, तेल एक तरल पदार्थ है। उसी तरह से ये पांच शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप अपने वाक्य में प्रयोग करके लिखना है, जैसे कि परख, मानव, शहद, रक्षक और चयन। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe.